Welcome back to my channel, friends. So today I'm coming with this look, and this look for Karwa Chauth special. So keep on watching. तो सबसे पहले अपने फेस को वॉश करने के बाद आप कोई भी टोनर लगा सकते हैं. टोनर काफ़ी कंपनी के आते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगी मिडिल क्लास के लिए. ख़ास तौर से टोनर काफ़ी महंगे भी आते हैं, तो आप टोनर के लिए गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं. डाबर का गुलाबेरी जो आता है ऐसे स्प्रे, जो इसका रैपर था वो निकाल दिया था मैंने, तो ऐसे ही आता है, आप ले सकते हैं. गुलाब जल बहुत अच्छा टोनर माना जाता है, तो पहले इसको लगा लेते हैं. हमेशा फेस वॉश करने के बाद टोनर लगाना चाहिए. उसके बाद मैं पॉन्ड्स की ये क्रीम लगाऊंगी. सो मैं यहाँ दिखा रही हूँ आप लोगों को तीन तरीके से आप अपने फेस को थोड़ा अच्छे से फाउंडेशन कर सकते हैं. एक फाउंडेशन है फिटमे का, मेबलिन का फिटमे, और ये लोकल ब्रांड का है. ये भी अच्छे से कर देता है फाउंडेशन, लाइक आपका फेस अच्छे से कर देता है, बट ये मैट फिनिशिंग है, ऑयली नहीं. और एक ये आप लोग यूज़ कर सकते हैं 625 का CC लैक्मे वालों का, ये भी बहुत अच्छा है और बजट फ्रेंडली है. पहले तो हर कोई यूज़ कर सकता है. मैं कुछ ऐसी ही चीज़ें दिखा रही हूँ कि हर कोई चूज़ कर सकता है, सॉरी यूज़ कर सकता है. तो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ फिटमे का, मेबलिन का. आपको जो सही लगे आप यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट. तो मैं इसको टैप कर लूंगी लाइक दिस पूरे फेस पे. और नेक पे हमेशा कीजिए. कोई भी आप मेकअप कर रहे हैं, खास तौर से जब हम बेस करते हैं अपने फेस का तैयार, तब हमें नेक का भी पूरी तरीके से ध्यान देना चाहिए, नहीं तो हमारा फेस और नेक एकदम अलग अलग लगेगा. तो ये देखिए मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है पूरे फेस पे. और अब मैं अप्लाई करूँगी कंसीलर, क्योंकि मेरे चेहरे पे स्पॉट्स हैं, डार्क स्पॉट्स भी है, तो उसके लिए मैं ओलिविया का कर रही हूँ. बजट फ्रेंडली है, हर कोई यूज़ कर सकता है इसको. तो आप यहाँ से प्रोडक्ट ले लीजिए इस तरीके से, और जहाँ पर डार्क सर्कल है लाइक आइज, अंडर आइज पे आप लगा लीजिए. तो मेरे जहाँ जहाँ पे है मैं उन दागों को हाइड कर लूँगी. अब मैं भूत लग रही हूँ, तो चलिए इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ. तो कंसीलर मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया, देखिए. तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ मैबलिन का फेस पाउडर, तो इसको मैं अच्छे से लगा लूँगी. अच्छे से लगा लीजिए. तो मेरा बेस तैयार हो गया है मेकअप के लिए, और अब मैं आईब्रो को कॉम करूँगी. इससे अच्छे से आईब्रो की शेप आ जाती है, और अच्छे से आप इसको सेट कर पाएंगे. तो पहले अच्छे से कॉम कर लें, और उसके बाद आईब्रो पेंसिल सभी के पास होते हैं ऑब्वियसली. मैं बजट फ्रेंडली मेकअप करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि हर कोई वुमेन उस दिन अच्छे से मेकअप कर सके. अच्छे से शेप करने के बाद हम इसको फिल कर रहे हैं. सो आई हैव डन माई आईब्रो, और अब बात करते हैं आईज की. तो आईज के लिए मेरे पास यही दो पैलेट है बस. टुडे आई एम नॉट यूजिंग एनी पैलेट फॉर आई शेडो, क्योंकि मैं ऐसा मेकअप कर रही हूँ आज जिससे हर कोई कर सके.
तो लिपस्टिक हर किसी के पास होते हैं, ऑब्वियसली वुमेन के पास, हर वुमेन के पास होते हैं लिपस्टिक। तो मैं यहाँ पे दो शेड ले रही हूँ, एक लाइट पिंक और एक डार्क पिंक। ये पिंक नहीं कह सकते इसको, ये मेरी साड़ी, जो मैं साड़ी पहनूँगी उसके साथ मैचिंग है थोड़ा। तो आज मैं लिपस्टिक से आई शेडो लगाऊंगी ताकि हर कोई वुमेन तैयार हो सके। अगर आप लोगों के पास आई शेडो पैलेट नहीं है तो ये देखिए, ये थोड़ा हल्का पिंक है, तो इसे मैं सबसे पहले अप्लाई करूंगी इस जगह पे। और अब मुझे इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। तो ये कंप्लीट है, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। और अब मैं इसको अप्लाई करूँगी, इस कलर को, वेरी ब्यूटीफुल कलर। तो मैं इसको इस तरीके से अप्लाई कर दूँगी। ये कंप्लीट हो गया है और अब मैं सेम इधर कर दूंगी। दोनों आईज अच्छे से हो गए हैं, आप देख रहे हैं। तो अब मैं अप्लाई करूंगी लाइनर और काजल, ऑब्वियसली। तो हर कोई इस लुक को अचीव कर सकता है जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ। तो मैं आज कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करने वाली हूँ। ये काजल ले लिया मैंने और मैं इसको अब लाइनर की जगह पे यूज़ करने वाली हूँ। और अब इसे मैं स्मच कर दूंगी। तो अगर आपके पास कोई ब्रश नहीं है तो आप बर्ड्स ले सकते हैं और उससे आप स्मच कर सकते हैं। नीचे लगा लेंगे काजल। ओके, तो अब इस वाले आइज़ का भी कर लेते हैं। ये मैंने आप लोगों को फुल्ली दिखा दिया है। तो ये ब्रॉड आइज़ कंप्लीट हो गए, देखिए। तो इस लिपस्टिक से मैं डॉट डॉट लगाऊंगी और ब्लशर के लिए अप्लाई करूंगी चिप पे इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से। ओके, और अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी। ये लिपस्टिक है तो थोड़ा सा स्टिकीनेस आ सकती है, तो हम बहुत हल्का सा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, हम हल्का सा फेस पाउडर लगा लेंगे ताकि ये थोड़ा चिपचिपी सी ना लगे। हल्का सा इसके ऊपर आप अप्लाई कर लीजिए। तो ये अब बारी है हाइलाइटर की। तो ये स्विस ब्यूटी का है हाइलाइटर, ज़्यादा महंगा नहीं है। मैं इसका लिंक दे दूंगी आप लोगों को, तो आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। ओके, नाउ इट्स कंप्लीट। और अब हम लगाएंगे लिपस्टिक, मेन मेकअप का मेन जो होता है ना, वो लिपस्टिक होता है। सो आई हैव, मैंने लिपस्टिक इन माई बॉक्स, बट मुझे अपनी साड़ी के साथ मैच करना है तो आई थिंक ये NY की मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। तो सबसे पहले आप लिप बाम लगा लीजिए, ये मैंने कंप्लीट कर लिया था।
तो अब मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। सो नाउ मेरी लिपस्टिक भी लग गई है, मर्जेंटा टाइप का कलर है। और अब मैं अप्लाई करूँगी आई लैशेज, और आई लैशेज भी बहुत कम दाम पे मिलते हैं ऑनलाइन में भी बाहर भी। ये मेरी खुद की जो लिया हुआ है मैंने, इसका नंबर A5 है और ये किसी कलर्स क्वीन का है ये, और ये सिर्फ 100 रुपीज़ में मुझे मिली है। तो कोई भी लगा सकता है, और इतना तो चलता ही है खर्चा करवा चौथ पे सुंदर दिखने के लिए। और इसको लगाने के लिए हमें गम चाहिए होता है ऑब्वियसली। तो गम जो है ना, आप सिर्फ एक बार बाय आउट कर लीजिए और वो आपको बहुत टाइम तक चलेगी। कितने टाइम तक मैं कह नहीं सकती, मेरा अभी भी बचा हुआ है और ये 1 साल करीब हो गया है मुझे, मैंने बहुत पहले लिया था। ड्यू का होता है ये वाइट, इसमें कलर भी आते हैं, ब्लैक भी आता है, सो चूज़ कर सकते हैं आप। तो मैं यहाँ टिप पे लगाऊंगी। तो जब आपके आई लैशेज लग जाए तो थोड़ा सा हाइलाइटर हमें अपने आईज पे भी लगा लाना चाहिए, ताकि थोड़ा सा हमारी आईज हाईलाइट हो जाए लाइक दिस। देखिए कितनी सुंदर लगती है आईज। ओके, और ये आल्सो। तो देखा आप लोगों ने, ये लुक कोई भी अचीव कर सकता है अपने घर पे रखे हुए मेकअप प्रोडक्ट से। और ज़्यादातर आपने देखा है लिपस्टिक यूज़ की है मैंने मेकअप के लिए, क्योंकि ब्लशर आई शेडो मैंने लिपस्टिक से ही किया है। अगर आप सिर्फ ब्लशर और आई शेडो भी लगा लेंगे तो भी आपका लुक ऐसे ही लगेगा, अगर आप कुछ और यूज़ नहीं करना चाहते लाइक। तो प्लीज़ मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं मैरिड, उन सभी को हैप्पी करवा चौथ, और आप लोग सभी अच्छे से बनाइए करवा चौथ को। और इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं ये छोटा सा ट्यूटोरियल एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी आप लोगों के लिए अच्छा सा कोई वीडियो लेके। टिल देन फ्रेंड्स, बाय एंड टेक केयर, मत भूलिएगा, बाय। ये सच्चाई है मेकअप करने के बाद की। अब ये सारा मुझको रखना पड़ेगा, एवरीथिंग। क्यों?